हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न उत्तर। ठीक है, यानी आप सभी के जो क्लास 10th हिंदी है, ठीक है, इसके पूरे किताब से हम आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न और उत्तर के साथ बताने वाले। ठीक है, और ये जो आप सभी को हम क्वेश्चन बता रहे, ये आप सभी के 22 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% मेरी गारंटी कि बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, यानी अगर आप सभी लोग हिंदी की तैयारी अभी तक आपका नहीं हुआ है, आप लोग हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो आप सभी लोग मात्र इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेना जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे और आप सभी को किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, कॉपी को 22 फरवरी के दिन यानी हिंदी के पेपर के दिन आपको कैसे लिखना है, ये भी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। मात्र आप सभी लोग इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन आपको बता रहे, सिर्फ उतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो आप सभी का पूरा जो है 70 में 70 नंबर पक्का है। ठीक है, हिंदी में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, ये मेरी 100% गारंटी की नहीं आ सकता। सिर्फ जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले, सिर्फ उतना तैयार कर लेना, आप सभी लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, पूरे के पूरे आप सभी लोग 95% नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सभी को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, आप सभी के हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को सभी चीजें आप सभी को बताने वाले हैं और आप सभी के पेपर में कैसे आता है ये भी हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले और आप लोग को इतना अच्छा ये क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे जो 100% आप सभी के पेपर में बिल्कुल आना ही आना है। मात्र आप लोग इतने क्वेश्चन को तैयार कर ले तो आप सभी लोग 22 फरवरी के दिन आप लोग हिंदी के पेपर में बिल्कुल आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग हल करके आओगे, पूरे के पूरे आंसर छाप कराओगे। सिर्फ इतना तैयार कर लेना आप लोग जितना इस वीडियो में हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार आपको बिल्कुल 95% से भी पार लाना है, ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी के सभी क्वेश्चन बताने वाले और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हम आप सभी को ये बताएंगे कि आप सभी के जो हिंदी का पेपर हो, तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप सभी का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 20 नंबर वाले और उसके बाद हम आप सभी को 50 नंबर वाले, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। ठीक है, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, ठीक है, ये जो है ये भारतेंदु युग के लेखक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो इसी क्वेश्चन में करते हैं कि विधा आ जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या नाटक है, कांकी है, उपन्यास है या कहानी है। ठीक है, क्योंकि वो उसको तैयार करके नहीं जाते। हमने आप सभी को बताया कि आपको जब भी आप लोग रचना को तैयार कीजिए तो आप लोग ऐसे कीजिए, यानी आप लोग लेखक का नाम याद कर लिए, उनकी रचना का याद कर लिए और उसके बाद आपको विधा भी याद कर लेना है कि नाटक है, कांकी है, उपन्यास है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गुनाहों का देवता जो है वो किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास विधा की रचना है और ये धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला जिनका पूरा नाम श्री कांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हंस पत्रिका के संपादक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन ए राइट है। देखिए, आप सभी को जितने भी यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं ना,
आप सभी को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल राइट हुआ। आप लोग ऑनेस्टी के साथ इसको जरूर बताइएगा ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास देखिए समय बिल्कुल नहीं बचा है, समझिए कि आपका समय जो है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, सिर्फ बहुत ही थोड़े समय बचे हैं और उसी थोड़े समय में आपको जो तैयारी करनी है वो 100% बिल्कुल जोरों शोरों से करनी है ठीक है। क्योंकि आप सभी को आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, फिर भी आप लोग 5 से 10 दिनों में अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर लेते हो तो पूरे के पूरे आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 70 नंबर छापोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना वायरल क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। कलम का सिपाही की विधा है, यहाँ पे देखिए फिर से विधा पूछ रखा है ठीक है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक अमृत राय हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक है धनवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर ठीक है या राजेंद्र यादव? तो ये मोहन राकेश है लहरों के राजहंस के लेखक। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, 6वां यहाँ पे दिया क्वेश्चन की आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है, कवि है, उपन्यासकार है, आलोचक है, नाटककार है ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो एक आलोचक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, और निबंधकार भी है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक है, आकाशदीप के लेखक कौन है, अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है या निराला है? तो आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए आ गया यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आप सभी को लिखना है। यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है, ये गलत है ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाटककार नहीं थे। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। क्या भूलू क्या याद करूं कहानी विधा की रचना, ये भी गलत है क्योंकि आत्मकथा विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये सही ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4वां सही है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, आप लोग देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपको ये वीडियो जो है हमने बहुत ही मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बनाया है ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग इतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जिससे 1000 प्लस लाइक इस वीडियो पे आना चाहिए ठीक है। तो आप सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करोगे और हमें आप लोग सपोर्ट करोगे ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, पूरे रात और दिन की मेहनत से हम आप सभी लोगों के लिए इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना होगा ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये गलत है ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ठीक है ये क्या है, ये प्रमुख निबंध प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवि है ठीक है, नागार्जुन है, दिनकर है, त्रिलोचन है या ये सभी है? तो प्रगतिवादी जो कवि है ये तीनों है ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में ठीक है, इन पंक्ति में रस है। देखिए जहां पर भी ऐसे हंसना आ जाए या हास आ जाए ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये क्या है, हास्य रस है ठीक है, क्योंकि हास जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव ही है और हास्य रस में क्या होता है, उत्साह या यानी मनोरंजन आनंद को व्यक्त किया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं ठीक है, तो छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 13 क्वेश्चन है, माया दीपक नर पतंग उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष अलंकार है ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रूपक अलंकार, इसमें भेद रहित आरोप है। 14 क्वेश्चन है, अत्याचार में उपयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रखा है, यहाँ पे शब्द दिया है अत्याचार, तो जहां पर इस तरीके से आधा त की मात्रा हो जाएगी ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, यानी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति, यानी जो त रहेगा आधा ना उसपे आप लोग छोटी ई की मात्रा दे दोगे, ऐसे ये वाला मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अति। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, 15 तत् शब्द का पुलिंग एक वचन का रूप है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तत् शब्द का पुलिंग एक वचन का रूप स होता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए भाई
और बहन, ठीक है, माता और पिता, तो यानी इसमें क्या है, और शब्द का लोप है, और शब्द का लोप जहां पे होता है द्वंद समास होता है। देखिए जो भी चीजें हम आपको बताएंगे, हमारा काम ये रटा रटाने वाला काम नहीं होता, ठीक है, ये सब अनपढ़ और चोर टीचर करते हैं। हम आप सभी को पूरा का पूरा 100% समझा कर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हम आप सभी को जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना, वो आपको 100% समझ में आएगा, और आपको रटाने वाला हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, करपट शब्द का तद्भव शब्द है, कपड़ा है, कटरना है, ठीक है, कपाट है या कपट है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कपड़ा, करपट का जो होता है कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं, एक ही मुख्य क्रिया रहेगी तो। 19 क्वेश्चन, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा वाक्य का कृतिवाच्य परिवर्तन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कृतिवाच्य परिवर्तन, आज निश्चिंत होकर सोएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 20 क्वेश्चन है, तुम मुकेश के बड़े भाई को गर्म खाना खिलाओ, रेखांकित पद का परिचय है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए जातिवाचक संज्ञा पुलिंग है, ठीक है, इसमें पुलिंग की बात कही गई, एक वचन कर्म कारक है, खाना खिलाना यानी कर्म कारक है, तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद आता है, और ये 20 नंबर का पेपर में आएगा, इसके बाद आता है 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, यानी आपको हिंदी के पूरी किताब से सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है, जिसे आप लोग अगर तैयार कर लिए तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के पेपर में 6 नंबर का जो है गद्यांश आता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं, जो आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, आप लोग मात्र आज रात हिंदी की तैयारी ऐसे कर लेते हो तो आप सभी लोग पूरे के पूरे 70 में 70 फोड़ कराओगे एग्जाम में इस बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आप सभी के पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आप सभी के पेपर में ये किस तरीके से आएगा और आपको इसका आंसर को कैसे लिखना है। देखिए इस तरीके से आएगा, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न 21 नंबर के क्वेश्चन में ये रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश बता दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका आंसर आप सभी को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कि यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा और आपको सबसे पहले खंड ब लिखना है, वर्णात्मक प्रश्न लिख देना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा है, यहाँ पे क रहेगा तो क आपको लिख देना है, ठीक है, पहला है तो क आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए आप सभी को ऐसे गद हेडिंग लिखना है, इसमें आगे के 2 वर्ड जैसे यहाँ पे कुसंग का ज्वर, ठीक है, डैश डैश उठाती जाएगी, लास्ट के 2 वर्ड को ऐसे लिख देना, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आप सभी को संदर्भ, सबसे पहला क्वेश्चन में रहेगा संदर्भ लिखने के लिए, अब आपको संदर्भ हेडिंग लिखना है, उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग कॉपी को लिखते हो आप लोग, ठीक है, हिंदी के, तो पूरे के पूरे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो है एक टॉपर की ट्रिक है, ठीक है, और हम एक टॉपर स्टूडेंट थे और हमने कैसे हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाया था ये हम आप सभी को, ठीक है, ये पूरा इसी तरीके से हमने लिखा था जिससे हमको पूरे नंबर मिले थे, एक भी नंबर हमारा नहीं कटा गया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी आपको इस तरीके से सिर्फ इतना का व्याख्या करना है जिसके नीचे, यानी ये अंडरलाइन जिसके नीचे दिया हुआ है, हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक जो है बुरी संगति को भयानक रोग बताया है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति क्या होता है, गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, ऐसे आपको पूरा लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें तीसरा, कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, अब इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। आपको इसमें से जैसे कोई कॉमन वर्ड है युवा पुरुष की संगति, इसको आपको पैसेज में खोजना है, जहां पर भी मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर क्या करेगी, उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या है, आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक गिराती जाएगी, सिर्फ उसका परिणाम पूछ रखा है बुरी संगति का, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तीसरा आप लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख करके ये 2 लाइन पूरा का पूरा लिख दीजिए, ये 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है,
इसका आंसर आपको ये ट्रिक लगाना है इसमें। और अगर आप सभी को ये पहचानना है कि जैसे कि पूरे गद्यांश को यह पद्यांश है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि संदर्भ में लिखने के लिए कि पाठ उसका किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, तो एक हमारे चैनल पे वीडियो बना है गद्यांश पहचानने की ट्रिक, ठीक है। आप लोग उस ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा। छोटी सी ट्रिक से आप लोग किसी भी पाठ के कवि और लेखक को पहचान लोगे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग को YouTube पर सर्च करना है गद्यांश पहचानने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से आसानी से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें डीड करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्र मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे, सारांश यह है कि ये हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, सच्ची मित्रता की उत्तम से उत्तम वैध किसी, ठीक है, निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की तरह धैर्य होता है, कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, इस तरीके से दिया है, ठीक है। इसको हमने कई बार बता दिया, इसलिए आप लोग इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लिया करिए, ठीक है। अब देखिए पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ऐसे खंड व लिखना है, ठीक है। और आपको देखिए ये एक टॉपर की कॉपी है और ये किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, जिससे इसको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब गद्यांश उत्तर हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है लिख देना है, गद ऐसे विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, डैश डैश करना चाहिए, आपको आगे के दो अट पीछे के दो अट को डैश डैश करके लिख देना है। पहला क्वेश्चन है संदर्भ, इसमें है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहां से यहां तक व्याख्या करना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता जो है उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है, सच्चे मित्र की उत्तम वैद्य से तुलना किया जा सकता है, वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों का परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और, ठीक है, और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इससे बाहर कुछ ही भी नहीं आ सकता, ठीक है, पूरा इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसका भी आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया, तो यहाँ से आपको हमें त्रुटियों से बचाए, ठीक है, यहाँ तक पूरा इसका, यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप सभी को लिख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, अगर इतना तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल फिक्स है, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी ये जो है ये मित्रता पाठ से है और ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये तीनों। इसके बाद आ गया, यहाँ से शुरू होता है, ये ममता पाठ से, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को इसमें हे भगवान, ठीक है, डैश डैश बना रही है, ये आप सभी को ये वाला जो है गद्यांश को तैयार कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, आपका 22 फरवरी को आना ही आना है, अगर इतना तैयार कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यह एक नैतिक डैश डैश आवश्यक हो गया है, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति से और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और आज विज्ञान डैश डैश उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है, ये सभी। और देखिए आप सभी को इसके आंसर के लिए कहीं और नहीं भटकना है, बल्कि आपको हमारे चैनल पे, ठीक है, हिंदी के, आप सभी को बता दें कि 10 सेट वायरल पेपर की वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है, ठीक है, इन सभी जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश है सभी को हमने पूरे के पूरे आंसर के साथ उस वायरल पेपर में बताए हुए, आप लोग उस वायरल पेपर की प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, आप लोग उस पे क्लिक करके सभी पेपर को तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर आप सभी लोग हमारे चैनल पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें भी आप लोग देख सकते हो।
ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है क्या लिखू चैप्टर से है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे किताब से सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। नेक्स्ट, इस्या से बचने के लिए डैश डैश कम कर देगा, ठीक है। इस्या ये चैप्टर से, इस्या तू नहीं गई मेरे मन से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, आप लोग रट लीजिए इसको बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन, ठीक है। इसके बाद डैश डैश सदा काम करती रही है, ये जो है ये पानी में चंदा और चांद पे आदमी चैप्टर से है और इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ठीक है। 6 नंबर का टोटल आएगा, रट लीजिए आप लोग इसको बिल्कुल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, आपके पेपर में क्या आता है, वह सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश में क्या है, सबसे पहला है कि अभिगत गति डैश डैश पद गावे, ठीक है, ये सूरदास जी का है और जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ भी देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 22 हो जाएगा, पद अभिगत गति डैश डैश पद गावे, ठीक है। ये पूरा हमने कई बार बताया, वायरल पेपर से आप लोग देख लीजिएगा कि ये पूरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इसके बाद संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक के सुरसागर नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता सूरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, ठीक है, भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है लेकिन उसे और उसे परम संतोष भी मिलता है किंतु बाड़ी से वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी रहेगा कि कौन सा रस रहेगा, तो उक्त पंक्तियों में भक्ति रस रहेगा, ठीक है, भक्ति रस का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है महत्वपूर्ण बिल्कुल पद्यांश की निर्गुण कौन देश डैश डैश मतिनाशी, ठीक है, ये भी सूरदास जी का, आप लोग इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी मैं जानी अनजानी डैश डैश दियो है, ठीक है, ये जो है धनुष भंग पद पर तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, ये आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चरण कमल, ठीक है, डैश डैश ती पाई, जो कि सूरदास के द्वारा पद से लिया गया है, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमने अभी कल ही के पेपर में बताया था, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। हमने आप सभी को कल पेपर बताया था जो की 801 DB था, ठीक है, वो वाला पेपर को आप लोग जाकर के तैयार कर लीजिएगा, उसमें हमने इसका आंसर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है रूपसी तेरा घन केस पास, ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति लिया जो है पाठ से लिया गया है, इसके जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अतुलनीय जिनके डैश डैश रन गर्जन, ठीक है, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी है, इसको तैयार कर लो आप लोग बिल्कुल, इससे बाहर कोई भी पद्यांश आपके हिंदी के पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ये आप सभी का 100% बिल्कुल इसी में से आएगा, ये मेरी गारंटी। के बाद देखिए आप सभी को हम बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है, जो आप सभी के पेपर में 5 नंबर का आता है और यहाँ पे हम आप सभी को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताएंगे, ठीक है, 5 सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी के जीवन परिचय एक भी आप सभी के पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, सभी जो है इसी में से आएगा और यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, कैसे लिखना है, यानी आप सभी को वो तरीका हम आपको बताएंगे, जैसे एक टॉपर की तरीका बताएंगे, जैसे एक टॉपर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो आपके पेपर में 22 फरवरी के दिन बिल्कुल यही आएंगे, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या है, सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, लेखक परिचय में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद दिए हुए। अब आप सभी को इनके बारे में कैसे लिखना है, अब देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या जो भी 26 का क तो आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जीवन परिचय में हो जाएगा जैसे, और यहाँ पे आप सभी को अगर पूरे के पूरे 5 नंबर आप लोग लाना चाहते हो, ठीक है, जीवन परिचय पर, तो आपको ये टॉपर की ट्रिक अपनाना है, यानी ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद का नाम, जन्म इनका 1889, आप लोग 90 भी लिख सकते हो, ठीक है, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाए काम यानी लहर, मृत्यु 1937। अब इसी पॉइंट से आपको पूरा जीवन परिचय बनाना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई।
इनकी ठीक है घर पर इन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके पूरे घर का बोझ इनके कंधों पर आ गया जिससे इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है यानी ये इनका देहांत हो गया। इसके बाद इनकी रचनाएं में हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामयानी नाटक अजातशत्रु राष्ट्रीय चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है इसके बाद उपन्यास कंकाल तितली इरावती अपूर इस तरीके से पूरा लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है इनका भी आप लोग तैयार कर लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप सभी को जीवन पर्ची के साथ साथ ठीक है आप सभी को इनके रचना को भी तैयार कर लेना है क्योंकि रचना वाले क्वेश्चन आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है इसलिए आपको इनके रचनाओं को भी जरूर तैयार कर लेना है। जितने भी यहाँ पे लेखक है कवि है आपके चैप्टर में सभी के रचनाओं को तैयार कर लेना है। इसके बाद ठीक है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्या हो जाएगा इस तरीके से आप लोग को हमने इसको कई बार समझा कर बता चुका है इसलिए आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है और आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए 100% पेपर में आएगा यहाँ पे इनकी जो इस तरीके से रचनाएं हैं। ठीक है इसके बाद तीसरा है इम्पोर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर। इनकी भी रचनाओं को तैयार कर लेना है और ये बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है यानी ये बिल्कुल फिक्स है कि यही आप सभी के पेपर में आएगा 5 नंबर आप सभी का क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तब। क्या हो जाएगा इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है पूरा का पूरा आंसर के साथ हम आप सभी को बता रहे बहुत मेहनत लग रही है इस पूरे वीडियो को बनाने में। ठीक है बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको लिख करके भी बताया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे तो हम आप सभी को क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का इसी तरीके से वायरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे आंसर के साथ बता देंगे और आप लोग मात्र इसको 1 से 2 दिन में तैयार करके आप लोग टॉपर बन सकते हो। पूरे के पूरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो 100% आप सभी के पेपर में आना ही आना है। ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे 1000 लाइक आएगा तब हम आप सभी को क्वेश्चन देंगे। ठीक है क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है और ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे स्टूडेंट देखेंगे नहीं तो बताइए हम किसके लिए बनाएंगे। इसलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिएगा। कवि का परिचय क्या हो जाएगा आपको कवि के परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसीदास का परिचय। ठीक है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है आपको। ठीक है तैयार कर लेना है और साथ ही इनके रचनाओं को भी तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये तुलसीदास का जीवन परिचय आपको पूरा इसी तरीके से तुलसीदास के जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है आप लोग इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर इनको तैयार कर लिए तो आप सभी के पेपर में बिल्कुल यही आएगा। ठीक है पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस तरीके से और ऐसे ही लिखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है महादेवी वर्मा। ठीक है ये भी आप सभी के पेपर में बिल्कुल फिक्स से तैयार कर लो 5 नंबर आपका बिल्कुल आप सभी के मुट्ठी में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। इसको भी हमने कई बार बताया जितना भी जीवन परिचय यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे। ठीक है आप सभी लोग को प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है इम्पोर्टेंट क्लास 10th के जीवन परिचय का उसमें देख लेना है या आप लोग को YouTube पर सर्च करना है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपना विद्यालय। ठीक है क्योंकि हमारे चैनल का जो जीवन परिचय ना ऐसे लिखोगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि हम एक टॉपर थे। ठीक है और हम जैसे लिखे थे वो तरीका हम आपको बता रहे इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे YouTube पर सर्च करना है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपना विद्यालय जिससे हमारी वीडियो आप सभी के पास आ जाए और आप लोग उसको देखकर पूरे 5 नंबर लाओ। ठीक है बाकी जो अदर यूट्यूब चैनल वाले बताते वो तरीका बिल्कुल फेक है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आप सभी का ठीक है 4 नंबर भी नहीं आपका 2 से 3 नंबर ही सिर्फ मिल पाएंगे लेकिन जो हमारा तरीका है उससे आपका 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो आपको ठीक है डर लग रहा है कि कहीं हम बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाए या हमारे नंबर कम ना आ जाए तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। ठीक है और बिल्कुल 100% आप सभी के पेपर में काम करेगा। आप सभी लोग उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको जो भी ट्रिक चाहिए जैसे मैथ का इंग्लिश का साइंस का सोशल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है जैसे इंग्लिश में पास होने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। ठीक है वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी आसानी से आप लोग देख लीजिएगा। मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा उस पर भी क्लिक करके आप लोग ट्रिक की वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट चौथा मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ठीक है ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना कैसे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे आपको लिखना है। ठीक है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बाकी
इनकी रचनाएं इस तरीके से है, ऐसे आपको रचनाओं को लिखना है। अब इसके बाद देखिए, दो नंबर का आप सभी के पेपर में क्या आता है, दो नंबर के संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चार क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको किसी दो क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में देना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पूरी किताब के कौन से क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो दो नंबर आपका पक्का हो जाता है, ठीक है। पहला रहेगा कि बीरह केन पूज्यते, तो आंसर हो जाएगा बीरह बीरड पूज्यते, ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बता रहे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेते इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पांचवा, पुरराजा क आसित, तो पुरराजा एक भारत वीर आसित, अलछेन्द्र क आसित, अलछेन्द्र यवाना राजा आसित। इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश क्या है, ठीक है, जो कि आप सभी के पेपर में हिंदी के पांच नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसा नगरी डैश कारित, ठीक है, ये जो है ये वाराणसी चैप्टर से है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को देखिए किस तरीके से आपके पेपर में जो है आता है, ये भी हम आप सभी को बता ही देते हैं, क्योंकि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करके हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन में आएगा ऐसे संदर्भ, और आपको हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा, तीन नंबर आप सभी को हिंदी अनुवाद पे, दो नंबर संदर्भ पे, टोटल पांच नंबर का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर कारी तक तो दिया है, इसको हमने कई बार बता दिया है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है कि यही आप सभी के पेपर में आएंगे। कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद, ठीक है, ऐसा नगरी - कारित, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया, ठीक है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिको ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ऐसे पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अस्माकर - चेती, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब आप सभी को इसका कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए पूरा इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम भी काफी थक चुके हैं, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी एकदा बहुव, ठीक है, - दस्याम, ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, बिल्कुल 100% आप सभी के पेपर में आएगा, ठीक है। जो हम आप सभी को क्वेश्चन बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल रियल है, ठीक है। आप सभी लोग हमारे जो क्वेश्चन है, इसके अलावा आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल के क्वेश्चन को मत देखिएगा और नहीं आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको बताते हैं ना वो 100% बिल्कुल रियल है और इसी पेपर में से सभी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आगे क्वेश्चन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसी क्वेश्चन को सिर्फ तैयार करके हिंदी का पेपर देने चल जाना, 100% मेरी गारंटी कि पूरे के पूरे हिंदी में टॉपर बनकर ही आओगे, ठीक है, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता ही देते हैं कि आप सभी को कैसे सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले कि आप सभी को ये जो अपना विद्यालय लिखे हैं, ठीक है, ये आप सभी को अपना विद्यालय लिखना है, ऐसे आप सभी को सर्च बार पे आकर के ऐसे सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऐसे सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है हमारे चैनल आ जाता है। अब आप सभी को देख सकते हो यहाँ पे हमने जितना भी हमारे वीडियोस है यहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी अब आप सभी को ऐसे लोगो पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस तरीके से करते हो क्लिक, अब यहाँ पे वीडियोज में आ जाना है, तो यहाँ से जितने भी हमारे डेली के वीडियो अपलोड होते यहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। यानी जो भी आप सभी को हम पेपर कर रहे हैं तो पेपर पर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। जो भी पेपर करे, अगर हम आपको कह रहे हैं कि हिंदी में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर कैसे लिखते हैं, तो आपको ये देखिए कॉपी वाले वीडियो पे ऐसे क्लिक करके देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। अगर पास होने की कोई ट्रिक चाहिए तो इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट वीडियो देखना है तो आप लोग ऐसे शॉर्ट पे क्लिक करके शॉर्ट वीडियो में आ जाओगे, ठीक है। और हम कह रहे हैं आपको कि आपको सभी ट्रिक की वीडियो और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं बता रहे उसका आपको आंसर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको ऐसे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप सभी देखिए कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर 2024, ठीक है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो ऐसे इस पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेपर हमने अपलोड किया है, ठीक है, जो बिल्कुल वायरल वायरल पेपर जो आपके
बोर्ड में इस बार 100% आएंगे। इतना पेपर तैयार कर लिए जितना यहाँ पे हम बता रहे, 23 वीडियो है तो आपका पूरा 70 में 70 आएगा। कोई भी आप सभी को 70 में 70 लाने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है पूरा। देखिए अब कह रहे हैं हम आप सभी को जैसे इस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए इसमें आप सभी को ऐसे क्वेश्चन, अगर गणित में कमजोर हो तो ऐसे गणित में पास होने की ट्रिक को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता है, एप्लीकेशन नहीं लिखना आता तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप सभी को सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो इस पे क्लिक करके देख लो, ठीक है। अगर इंग्लिश में कोई पास होने की ट्रिक चाहिए जैसे 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो इस वीडियो पे क्लिक कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सभी वायरल पेपर जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर आप सभी को ऐसे कॉपी लिखने की वीडियो चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे, पास होने की ट्रिक की चाहिए तो इस वीडियो को देख लो, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देख लो, इस तरीके से आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे गणित में पास होने की ट्रिक है तो आप लोग इसको देख लीजिए, इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ये जितने भी ट्रिक है सभी को तैयार कर लो, ठीक है। जो 100% बिल्कुल रियल ट्रिक है, देखिए हम आपको ये क्यों बता रहे, क्योंकि हमारी जो ट्रिक की वीडियो है ना वो सभी यूट्यूब चैनल वाले कॉपी करके बना लेते हैं, कुछ आता जाता तो है नहीं, सब देख कर ही कॉपी करके ही बनाते हैं, सब चोर है, ठीक है। बेशर्म नाम की कोई चीज नहीं, बेशर्म है बिल्कुल। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग जो देखिए वो रियल वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग दूसरे का लोगे वो दूसरे तरीके से बताएंगे, छोटी जानकारी खतरनाक भी होती है, ठीक है, और वो आपको समझ में नहीं भी आएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उनके गुरु हैं यानी जो उस ट्रिक का निर्माता है उसकी वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक की चाहिए वीडियो तो इस पे क्लिक किए, सभी पास होने की ट्रिक की वीडियो आ गया, बिना पढ़े आप लोग पास हो सकते हो, ये गारंटी है, क्योंकि हर साल जो कमजोर स्टूडेंट है वो इसी ट्रिक से पास होते हैं। अगर आप सभी की कोई 12th में पढ़ने वाला आप सभी का कोई बहन है, सिस्टर है, ठीक है, या ब्रदर है, तो आप लोग उनको ये 12th की वीडियो जो फिजिक्स में पास होने की ट्रिक, ठीक है, केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक, ये ट्रिक की वीडियो आप उनको दिखा सकते हो, या प्रैक्टिकल उनके एग्जाम चल रहे तो आपको ये ट्रिक की वीडियो उनको कह देना है, देख लेना है, ऐसे आप सभी को दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने आप सभी को क्यों बताया, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है ना उनको नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके से प्लेलिस्ट मैम क्या कर रही है, उनको नहीं समझ में आता, इसलिए हमने आप सभी को ये चीजें बता दिया। बाकी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम आपको डेली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी में आकर हमारे क्वेश्चन के भी आंसर ऐसे दे सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक किए हुए, यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से बी राइट हो जाएगा, C2H5OH, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट CH3COOH को मारे हुए, बताइए उनकी स्थिति क्या है, वो एग्जाम में क्या होंगे, पास होंगे फेल होंगे, ठीक है। इसलिए हम करें कि आपको ट्रिक भी वीडियो देख लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया नागरिक, ठीक है, बहुल काम 10-10 दतानी, ये इस तरीके से हो जाएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कई बार बताया हुआ है हमने इसको, बहुत समझा कर बताया, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है वाराणसी सुविख्यात 10-10 प्रशंसंती, ठीक है, ये भी वाराणसी चैप्टर से है, इसको हमने वायरल पेपर में बताया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश में क्या हो जाएगा, पहला है जो बिल्कुल फिक्स है और ये आप सभी के 5 नंबर का आता है, ठीक है, और इसमें संदर्भ और आप सभी का संदर्भ और इसमें अनुवाद बोलेगा लिखने के लिए। अब देखिए आप सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया रहेगा, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति, ये 5 नंबर का रहेगा, 2 रहेगा आपको किसी एक के बारे में लिखना रहेगा। अब आप सभी को लिखना कैसे इसका आंसर, देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत पर सर्वे भवन्तु --भवेत, ठीक है, संदर्भ जगह प्रस्तुत इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सब सुखियों सब जो है यानी निरोग हो, किसी को रोग न पकड़े, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना इस पंक्ति में की गई है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बंधन मरणम वापी जो वापी पराजयो 10-10 वीरता, ये वीर वीर पूज्यते से लिया गया, इसको हमने कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी के पेपर में बताया, तो जैसे हमने बताया वैसे आपको इसको देख लेना है, ठीक है। अब दो दुर्गामी 10-10 यहाँ पे पंडित, ठीक है, ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया, संदर्भ और अनुवाद आप सभी के पेपर में आएगा। अब देखिए आप सभी को इस तरीके से इसको हमने कई बार बताया है, पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, ऐसे आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए आपका यानी यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद संस्कृत इस श्लोक आप सभी के पेपर में 2 नंबर का आता है,
तीन याद कर लो, जिसमें से अगर आप सभी के पेपर में दो आ भी गया तो एक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत भारतीय संस्कृति से लिया गया, इसको तैयार कर लो। बंधन मड़ो डैश डैश वीरता, ये भी तैयार कर लो। अब्दुल दुर्गामी डैश डैश पंडिता, ये तीनों को आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। आप सभी के पेपर में यही आएगा। इसके बाद देखिये खंड काव्य जो है ये तीन नंबर का आपके पेपर में आता है, और ये सब क्वेश्चन ये जो है ये जिला के हिसाब से आप सभी के पेपर में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 25 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, 3 पेज लिखना होता है। ज्योति जोहार मेवाड़ मुकुट, ठीक है, मुक्ति दूत अग्र पूजा कर कर्मवीर, ठीक है, इस तरीके से मातृभूमि तुमूल जय सुभाष, इस तरीके से आता है। आपको पूरा तैयार कर लेना है, मतलब किसी एक को तैयार कर लीजिएगा जो आपको अपने जिला में आएगा, उसी को तैयार करना है, ठीक है। आप लोग के जिला में कौन सा आएगा ये पता करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उसमें से देख सकते हो, या आप लोग अपने हिंदी के टीचर से संपर्क कर सकते हो कि हमें कौन सा खंड का पढ़ना है। अब देखिए आप सभी के पेपर में 7 नंबर का आता है निबंध लेखन, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण निबंध क्या है, जो बिल्कुल फिक्स निबंध है कि यही आप सभी के पेपर में आने वाले हैं 22 फरवरी के दिन, ठीक है। इससे बाहर कोई भी निबंध आप सभी के पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी 100% बिल्कुल गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण, जिसको आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप सभी को कैसे लिखना है यहाँ पे हम आपको बता रहे। इसके बाद आप सभी को दूसरा तैयार कर लेना है आतंकवाद का कारण और आप सभी को निवारण, ठीक है, ये तैयार कर लेना है आप सभी को, बहुत इम्पोर्टेंट है, फिक्स है बिल्कुल, यही आएगा पेपर में। इसके बाद विज्ञान वरदान और अभिशाप को तैयार कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि पे तैयार करना है, मेरे प्रिय पुस्तक पे तैयार कर लेना है, ठीक है। आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको कितने पेज लिखना है सभी चीजें हम आप सभी को बता देंगे, ठीक है। आपको यानी जो टॉपिक यहाँ पे हम नहीं बता रहे आपको वो यूट्यूब पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, हमारी वीडियोज आ जाएंगी। आतंकवाद पे निबंध अपना विद्यालय वीडियो आ जाएंगी। विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध अपना विद्यालय, वहां पे भी वीडियो आ जाएंगी, वहां से देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो कि 4 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है जो आपके पेपर में इस बार बिल्कुल छप चुका है? पहला है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है, थीके? और इसके बाद दूसरा है शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तीसरा है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो देखिए आप सभी को ऐसे पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30, ठीक है, सेवा में कावा श्रीमान प्रधानाचार्य जी। इसके बाद यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, जो भी कॉलेज का नाम है, जैसे हमने यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम लिख दिया। विषय में आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र लिखना है, महोदय कावा। इसके बाद आपको सबने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जो भी दिनांक है यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। दिनांक जो भी लिख देना है, आज्ञाकारी शिष्य या शिष्यक, आपको पेपर में नाम नहीं लिखा जाता है तो आपको कखग क्लास जो भी लिख दीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आपके पेपर में आएगा। सफाई के लिए हम आप सभी को कई बार बता चुके हैं आप लोग, ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए पत्र यहाँ पे आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को हिंदी के सभी जितने भी यहाँ पे वायरल क्वेश्चन हमने बताया सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हिंदी के आपके पेपर में नहीं आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसी में से आएगा। सिर्फ आप लोग इतना तैयार कर लो, आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके 22 फरवरी को बोर्ड के पेपर में 100% बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। आप लोग इतना रट के जरूर तैयार करके चले जाना, आप लोग बिल्कुल आग लगा कर आओगे, धुआं धुआं करके आओगे और बिल्कुल टॉपर आप लोग हिंदी में बन जाओगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। और अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन के, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको इसके बाद ऐसे ही टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करके आप लोग पेपर देने जाना। आप लोग मात्र आज इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप लोग बिल्कुल हिंदी में टॉप कर जाओगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।